नमस्कार दोस्तों, जी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे महाभारत का युद्ध कब और कहां हुआ था इसके बारे में। दोस्तों महाभारत के युद्ध को यूं तो बरसों बीत चुके हैं लेकिन आज भी लोगों में इसके प्रति जिज्ञासा है, तो आइए आपको बताते हैं इसका युद्ध कब और कहां हुआ था। लेकिन दोस्तों इसके बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सकें। दोस्तों महाभारत का युद्ध दुनिया के इतिहास में सबसे भयंकर युद्धों में से एक था। इतिहास में यह उल्लेख मिलता है कि महाभारत के युद्ध के बाद सिर्फ 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिसमें से 3 कौरवों के थे और बाकी 15 पांडवों के थे। यह युद्ध इतना विकराल और भयंकर था कि इससे मानव का धन तो नुकसान हुआ ही, उसके साथ साथ भारत से संस्कृति, धर्म, समाज, सभ्यता और अन्य कई चीजों का पतन हो गया। दोस्तों महाभारत का युद्ध कब हुआ था इसके बारे में सही से बता पाना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि यह युद्ध 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व हुआ था। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार यह युद्ध 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व हुआ था। पुराणों के अनुसार यह युद्ध 1900 ईसा पूर्व हुआ था। वहीं यूरोपीय विद्वान मानते हैं कि यह युद्ध 1200 ईसा पूर्व हुआ था। महाभारत की सही तिथि के बारे में कोई सटीक प्रमाण नहीं मिले हैं। दोस्तों महाभारत का युद्ध जिस कुरुक्षेत्र में हुआ था उसका नाम राजा करु के नाम पर पड़ा था। यह स्थान आज भारत के हरियाणा राज्य में है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने के पीछे भी एक कारण है, जिसके अनुसार देवराज इंद्र ने राजा करु को यह वरदान दिया था कि जो भी इस स्थान पर युद्ध करता हुआ मारा जाएगा तो उसे स्वर्ग प्राप्त होगा। इसलिए महाभारत के युद्ध के लिए इस स्थान को चुना गया। दोस्तों महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। 18 दिन तक चला महाभारत के इस युद्ध में पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर कौरवों को हराया था। इस युद्ध के साथ ही अधर्म पर धर्म की गौरवपूर्ण विजय हुई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ इसे लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके और हम आपके लिए और भी अच्छे रोचक भरे वीडियो ला सके। दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।